नमस्कार। मंदिर में जाते हैं तो बिना चढ़ावा चढ़ाए नहीं आते हैं ना, ठीक उसी प्रकार नर्सरी में अगर जाते हैं तो बिना पौधे खरीदे नहीं आ सकते हैं। और मेरे साथ भी यही हुआ। मैं आपको ले गई थी पिछले वीडियो में अलग अलग नर्सरीज दिखाने के, विंटर में कैसे कैसे पौधे मिल रहे हैं, कौन कौन से फूल दिखाई दे रहे हैं। और हुआ ये कि हर नर्सरी पे मेरा भी मन ललचाता गया और मैं भी कुछ कुछ खरीद के आ गई। तो भले ही आपके पास कई पौधे होते हैं, लेकिन फिर भी नए पौधे देख करके, कुछ खूबसूरत पौधे देख करके लालच आ ही जाता है। तो मैं क्या क्या ले आई हूँ, चलिए देखते हैं आज की वीडियो में। बने रहिएगा मेरे साथ आखिर तक। मैं हूँ अंजना, वेलकम टू अमलान बाग। वैसे जो भी पौधे लाई हूँ कोई बहुत नए नहीं है, सब होते हैं, आपने देखे हुए होंगे। लेकिन कुछ तो मैं पौध लाई हूँ जो कि सिर्फ 10-10 रुपए की है, जो मुझे ज्यादा लगाने हैं या जो अच्छे लग गए, 10-10 रुपए के थे वो मैंने उठा लिए। कुछ थैलियों में है जो कि कुछ 25 रुपए के, कुछ 40 रुपए के, कुछ कुछ 50 के भी हैं। एक सबसे महंगी जो बेल लेकर के आई हूँ, ये बिगोनिया वेनेस्टा, ये 250 रुपए की लाई हूँ। ये इसलिए महंगी है क्योंकि ये महंगी होती है। बिगोनिया वेनेस्टा में ऑरेंज कलर के फ्लावर्स आएंगे पूरी सर्दी से लेके, ये करीब अप्रैल मई तक आते रहेंगे इसमें। और ऑरेंज कलर के ऐसे उल्टे गुच्छों में फूल लटकते हैं, बहुत खूबसूरत लगते हैं। इस बेल की सबसे अच्छी बात यह है कि इसके पत्ते डॉर्मेंसी में झड़ते नहीं है, साल भर ये हरे पत्ते पूरी तरीके से छाए रहेंगे। तो मैं अपनी छत पे इसको लगाने वाली हूँ जहाँ पूरे दिन धूप आती है। छत पे कुछ आर्चेज हैं जिन पर मैंने गिलोय लगाई थी, लेकिन गिलोय के पत्ते सर्दियों में झड़ जाते हैं। अब वो सिर्फ स्टेम उसकी रह गई है तो उसको खूबसूरत नहीं लगता। तो उसी के साथ साथ मैं इसको भी चढ़ा दूंगी तो दोनों का काम होता रहेगा, गिलोय भी मिलती रहेगी, लेकिन एट द सेम टाइम मुझे ये ऑरेंज फ्लावर्स ग्रीन लीव्स के साथ साल भर हमारे पास रहेंगे। दूसरी जो बेल लाई हूँ, मेरे पास एक और आर्च थी, उस पर मैं बोगनविला चढ़ाने की सोच रही थी, चढ़ा रखा है लेकिन फिर भी लालच आ जाता है। ये ब्लू कलर का फूल है, ये बहुत वाइल्डली ग्रो करता है, तो ये मुझे मिली है 80 रुपीज में, 80 रुपए में। ये इतनी सी थैली में है, जड़ें भी बाहर आ रही हैं, बस आज इसको लगा दूंगी और ये दूसरी आर्च पे लगाने के लिए। तो एक ऑरेंज आर्च हो जाएगी, एक ब्लू आर्च हो जाएगी। इसके अलावा ये जो एक खूबसूरत सा रोज आप देख रहे हैं, रेड कलर का रोज लाई हूँ, देसी रोजेस मेरे पास हैं, ये मैं लेके आई हूँ इस बार के फ्यूचर में इसकी क्राफ्टिंग भी कर देंगे। और इसी के साथ ये भी थैली में रोज का एक वैरायटी है, फ्लोरीबंडा। मेरे ख्याल से ये साल भर आता है, साल भर ये सफेद फूल आते रहते हैं। इन गुलाब की तरह नहीं है कि ये फरवरी मार्च में आने के बाद थोड़ा कम हो जाएगा, ये साल भर तो कुछ आता रहेगा, इसलिए मुझे इस पर मन आ गया। तो और रेड एंड वाइट का ये कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा रहेगा, आसपास लगा दूंगी। तो देखते हैं ये गुलाब कैसे चलता है। मजे की बात और सरप्राइजिंगली, सोचिए ये कितने का होगा। मैंने सोचा था कि रोजेज हैं जरूर महंगा देगा, मैंने आधे मन से पूछा, मैंने कहा ये कितने का है भैया, मेरे दिमाग में था कि 150 से कम नहीं देगा, लेकिन उसने मुझे 50 रुपए में दिया और मैंने झट से दो उठा लिए। तो ये दोनों रोजेज मुझे 50-50 रुपए में मिले हैं, दोनों ऐसे थैली में हैं, प्लास्टिक की थैली में। आज गमले तैयार हैं, मैं शिफ्ट कर दूंगी। इसके अलावा एक मुझे ये इंटरेस्टिंग पौधा लगा, ये मेरे पास था भी नहीं, इनफैक्ट सेलोसिया है ये, अलग अलग कलर्स के हैं ये, तीन कलर्स, येलो भी था एक, पर वो थोड़ा सा डल सा लग रहा था। ये भी थोड़े से डल से लग रहे हैं, इसकी पत्तियां काफी मुरझाई सी हैं, छोटे छोटे पॉट में बिल्कुल ऐसे ही गिरे हुए थे, आधी जड़ें बाहर आ रही हैं, गिरे हुए हैं, लेकिन थोड़े स्टडी होते हैं इसीलिए ये चल जाते हैं, इसलिए मैंने उठा लिया। अब देखिए ये बिल्कुल इस तरीके से बिना जड़ के ऐसे ही बस उन्होंने डाल रखा था, पर क्योंकि जड़ें हैं इसको तो अपन बढ़ा लेंगे, अच्छा खाना पीना देंगे और इसको ताकतवर बना लेंगे। तो सेलोसिया बहुत अच्छा लगता है, ऐसा वेलवेटी टच होता है, ऐसे लगाओ ना तो बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा है। तो ये ले आई मैं। इसके अलावा मैं ये वाला मैरीगोल्ड ले आई, गेंदे के पीला ऑरेंज ये वेराइटीज मेरे पास थी, लेकिन ये बिल्कुल एक हटके सा कलर दिखा, तो मुझे लगा कि पीले और ऑरेंज गेंदे के साथ मैं इसको भी कहीं लगा दूंगी तो डिफरेंट है। और इसको धीरे धीरे बीज बनाएंगे और इसको बढ़ाएंगे, जैसे जैसे फूल सूखता है उसको तोड़ करके रख लूंगी, पूरा ड्राई हो जाएगा, वो सीड काम आएगा, नेक्स्ट ईयर उस सीड से ये बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये मैं दो ले आई हूँ, ये मुझे मिले हैं सिर्फ 20-20 रुपए में, क्योंकि मैरीगोल्ड थोड़ा सा सस्ता होता है दूसरों से, तो ये 20-20 रुपए में मिल गए। अच्छा,
ये मैंने लिया एक डहेलिया। अब डहेलिया में सबसे बड़ी बात होती है कि पौधा हेल्दी देख लेते हैं। अब इसमें फ्लावर आने वाला है लेकिन मुझे नहीं पता किस कलर का आएगा। इसमें आया हुआ था, हालांकि एक और अच्छा डार्क रेड होता है मरूनिश, वो मुझे चाहिए था लेकिन वो मिला नहीं। तो ये फ्लावर आ रहा था बट प्लांट हेल्दी था, इसका कलर नहीं पता। लेकिन क्योंकि पौधा हेल्दी था, पौधा लेते वक्त हमेशा ये ध्यान दीजिए कि जो इसकी स्टेम है ये मोटी है, ब्रांचेस ज़्यादा हैं, तो वो जितने भी मिल रहा है ले लीजिए। ये उसने मुझे 80 रुपीज बोला था, फिर शायद 60 रुपीज में दिया। थोड़ी बार्गेनिंग करनी पड़ती है कभी कभी, क्योंकि अननेसेसरीली कोई महंगा देता है तो थोड़ी बार्गेनिंग करनी चाहिए। अच्छा, ये मैं पेंजी लेके आई। पेंजी के बहुत खूबसूरत कलर्स थे। पेंजी एक देसी होता है जो छोटा सा होता है, येलो एंड बैंगनी कलर का, वो छोटा होता है। ये थोड़े बड़े हैं लेकिन आप देखिए कि ये जो पेंजी हैं ये कितने खूबसूरत हैं। मैं चार लेके आई हूँ, आपको चारों दिखाती हूँ। मैंने ये सोचा कि मैं ये दो कलर एक साथ एक पॉट में या एक बास्केट में लगाऊंगी और ये दो कलर एक साथ एक पॉट या एक बास्केट में लगा दूंगी, तो मेरी दो बास्केट या दो पॉट्स में ये चारों पेंजी आ जाएंगे। पेंजी की लाइफ तो बस सर्दी जितनी होती है, थोड़ा टाइम साथ रहेंगे उसके बाद ये हमसे टाटा बाय बाय कर लेंगे। तो मैं पिटूनिया लेके आई हूँ फिलहाल। ये देखिए नॉर्मल पिटूनिया है, थैलियों में है, ये मिले हैं 25 या 30 रुपीज में। और ये मैं प्लेन इसलिए लाई हूँ क्योंकि स्टार वाला जो होता है ना उसमें फूल तो सुंदर आता है लेकिन कम आता है। ये वाला जो नॉर्मल पिटूनिया होता है सिंगल कलर का, इसमें बहुत सारे फूल आते हैं। बस धूप में रखिए और फिर देखिए, चाहे हैंगिंग बास्केट में लगा लीजिए, चाहे गमले में लगा लीजिए, कुंडी में लगा लीजिए, तो फिर इसमें जो फूल आएंगे ना वो स्टार वाले से बहुत ज़्यादा आएंगे। इसीलिए दो ऐसे भी होने चाहिए। और मैं क्या ले आई, ये पेंडानस एक मैं ले आई। ये पेंडानस मेरे पास था नहीं तो मुझे लगा एक होना चाहिए। अब एक आ गया है तो बस अब दिक्कत नहीं है, अब इसको बढ़ाते जाएंगे और खूब बढ़ाएंगे, आराम से बढ़ता है। जब ये बड़ा हो जाएगा इसको बढ़ाऊंगी तो आपके साथ शेयर करूंगी कि कैसे बढ़ाते हैं पेंडानस को। ये जब मैंने थोड़ी एक नर्सरी से ज़्यादा पौधे खरीदे तो मुझे ये सदाबहार फ्री में मिला। ये सदाबहार होता है जो कि सर्दियों में आता है। नॉर्मली पर्पल और वाइट सदाबहार होते हैं जो गर्मियों में खिलते हैं, लेकिन ये सर्दियों का सदाबहार अलग होते हैं, हाइब्रिड वैरायटी होती है। इसमें मरून, येलो, रेड अलग अलग कलर आते हैं, तो कुछ भी आप ले सकते हैं। फिलहाल वैसे ये मिल जाता है 20 से 25 रुपए में, पर ये मुझे मिला है फ्री में। ये तो थे थोड़े से महंगे वाले पौधे, अब आपको दिखाती हूँ बिल्कुल सस्ती वाली पौध। पौध के साथ बस ये है कि इस वक्त फूल नहीं होगा, थोड़े रुक के फूल आएगा, लेकिन आएगा तो सही। अच्छा, तो पौधे में मैं लाई हूँ, देखिए ये तोरेनिया की सैपलिंग है। देखिए ऐसा फूल होता है इसमें और इस तरीके से मिल जाता है, तो मैं ये ले आई। हर्बल गार्डन मैंने बनाया था उसमें लगाने के लिए मैं ये लेटस ले आई 10-10 रुपीस। दो पौधे बहुत डेलिकेट है इसलिए मैं इसको ऐसे ही दिखा रही हूँ। ये लेटस है, अब इसको लगा दूंगी आज, बस एक दफा लगते ही ये बहुत अच्छे से फैल जाएगी। अच्छा, और मैं खजाना लग रहा है ना निकालते हुए, और कुछ बिगोनिया लाई हूँ मैं, 4 बिगोनिया लाई हूँ। दो रेड कलर के हैं, थोड़े एक दो ग्रीनिश कलर के हैं, तो ये छोटे छोटे से बिगोनियाज हैं। अच्छा, ये देखिए छोटे छोटे से, इतने इतने से हैं, लेकिन फूल तो आएगा जब आएगा। बिगोनियाज हो गए। अच्छा, ये मैं ले आई पोल्का डॉट ग्रीन कलर का मेरे पास था, पिंक में ले आई, और रेड अभी कहीं मिल नहीं रहा है। हालांकि ये बढ़ा सकते हैं हम, लेकिन थोड़ी सी मेरी लापरवाही से मर गए, तो अब दोबारा ले आई हूँ 10-10 रुपए का। ये पेंटास की पौध है, पेंटास भी 10-10 रुपए, दो ले आई जस्ट वैरायटी के लिए, हर फूल का हो जाएगा। अच्छा, पिटूनिया की अभी पौध बहुत खराब थी, बहुत छोटी छोटी सी थी पिटूनिया की पौध, लेकिन मैं ले आई हूँ। ये इतने छोटे छोटे और इसका भी ये पूरा जड़ें एक्सपोज हो गई हैं, लग तो जाएंगे पर थोड़ा बेचारों को स्ट्रगल करना पड़ेगा। और ऐसे ही लेकिन ये अच्छे मिले हैं गजेनिया इस वक्त इतने छोटे छोटे से मिल रहे हैं 10-10 रुपए के, लेकिन इन सब में कलियां आई हुई हैं तो बहुत जल्दी फ्लावरिंग हो जाएगी। गजेनिया से मैं बहुत खुश हूँ। और
थोड़ी सी मैं टमाटर की भी पौध आई हूँ, टमाटर का बीज मैंने डाला है, लेकिन ये जो तैयार पौधे ये जरा पहले फल देने लगेगी, जब मेरे बीज निकलेंगे वो थोड़ा बाद में देंगे, तो इसीलिए 3 टमाटर भी लेके आ गई। तो सब्जी का भी इंतजाम है, फूलों का भी इंतजाम है, कुछ बीज भी लगा दिए हैं, तो उम्मीद है विंटर गार्डन बहुत अच्छा रहेगा और जितने फूल फैलेंगे उतने खूबसूरती गार्डन में जब बढ़ेगी, तो आपके साथ जरूर शेयर करूंगी वीडियो विंटर गार्डन का। और बने रहिएगा मेरे साथ और इस वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, इतने खूबसूरत फूल आपको दिखाए मैंने, और अमलान बाग को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, नमस्कार।